वेल्डर एडवांस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेल्डर ट्रेड से जो बच्चे रेल कौशल विकास करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करिए वेल्डिंग जोड़। वेल्डिंग जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? बाबू, वेल्डिंग जोड़ 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बट जॉइंट, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट। ठीक है, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू चलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, वेल्डिंग करने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति वेल्डिंग करता है उस, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट। देखिए यहाँ बात क्या आ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। वेल्डिंग करने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? ठीक है, जो वेल्डिंग करेगा तो उसको वेल्डर क्यों बोलेंगे? ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें बी। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइम लगा के लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, आर्क वेल्डिंग द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है या विधि है? यहाँ पे आर्क वेल्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है, उस वो विधि कौन सी होती है? अस्थाई, अर्धस्थाई, अस्थाई, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गई अस्थाई। अस्थाई क्या होती है? जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जो वेल्डिंग प्रक्रिया होती है आर्क वाली, आर्क तो सभी होती है, तो उसमें अस्थाई हो जाएगा। ठीक है ना, अर्धस्थाई क्या होता है? जो रिपीट, जैसे ओवरब्रिज वगैरह पुराने जमाने के बनते थे, रिपीट वेल्डिंग। ठीक है, अस्थाई, और अस्थाई में वो होता है नेट बोल्टिंग वाला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए भी गलत है, ए भी गलत है और ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यहाँ आर्क वेल्डिंग द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है वह विधि पूछ रहा है। ठीक है, तो अस्थाई ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वेल्डिंग करते समय टांगों की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? यहाँ पे बात आ रही है टांगों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, कमेंट करिए। पहली बात तो सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? करिए, देखिए सुरक्षा की बात आ रही है इसमें, टांगों की सुरक्षा। कमेंट करिए, टोपी नहीं होगी, एप्रॉन नहीं होगा, लेग गार्ड जी, ये हो गया हमारा टांगों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना और नोट करते रहना। कौशल विकास मेन यही टॉपिक आता है वेल्डर में। एक दो क्वेश्चन इधर से उधर हो गया, कोई दिक्कत ना। ठीक है, पांचवा क्या है, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है? आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है? यहाँ फिलर वायर की नहीं पूछ रहा, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, आर्क वेल्डिंग क्या होता है? जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, स्टिक वेल्डिंग। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 250 से 450 mm में पूछी जाती है। ठीक है, 250 से 450 mm, राइट, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है,
गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड निम्न में से प्रयोग हेतु की जाती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड कौन सा होता है? गैस वेल्डिंग फिलर रॉड, यहाँ गैस वेल्डिंग का बोल रहा है, जो तीली जैसी होती है रॉड, जब हम लोग टॉर्च को ऑक्सीजन एसिटिलीन जलाते हैं, वो टॉर्च द्वारा जब हीट करते हैं, उसके बाद एक तीली टाइप में हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसी से, तीली से, तो उसको क्या बोलेंगे? जो बार बार टच करते हैं, उठाते हैं, टच करते हैं, फिर रखते हैं, फिर करते हैं, फिर रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिलर रॉड, ठीक है ना। तो गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड निम्न में से प्रयोग हेतु की जाती है, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? जो फिलर रॉड होती है वो किसके लिए की जाती है? ऑप्शन बी, जोड़ की मजबूती बढ़ाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है? आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? जो हम लोग आर्क वेल्डिंग में उपयोग करते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर जो लगता है वो कौन सा है? हाँ, कमेंट करिए। स्टेप डाउन, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन, बट वेल्ड में दो प्लेटों के बीच जो गैप रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? रूट गैप कहेंगे, थ्रेड की मोटाई कहेंगे, या टोंग कहेंगे, या फेस कहेंगे, क्या बोलेंगे? बट वेल्ड में दो प्लेटों के बीच में जो गैप रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलेंगे हम लोग रूट गैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स का। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में फ्लक्स का यूज करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग निम्न में से कौन सी विधि है? वेल्डिंग प्रक्रिया निम्न में से कौन सी विधि है? अस्थायी विधि, अगले क्वेश्चन बताए थे ना, ठीक है, अस्थायी विधि। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में कौन सा दोष तेज ज्वाला के कारण होता है? वेल्डिंग में कौन सा दोष तेज ज्वाला के कारण होता है? यदि करंट अधिक होगी तो ज्वाला होगी, जब ज्वाला होगी तो मेटल वेल्ड नहीं होगा, तो उसमें दोष होगा। दोष कौन सा अधिक होगा? सुराग भी होता है, दरार भी होता है, उपयोग में सभी होता है, उसमें मेन जो होता है अंडरकट, ठीक है, मेटल जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMAW का पूरा नाम क्या है? इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, MMAW का पूरा नाम, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, इसमें बी आंसर हो जाएगा बाबू, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है बाबू, और छोटा कर देते हैं, हाँ, वेल्डिंग करते समय सोल्डरिंग गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न, वेल्डिंग करते समय सोल्डरिंग गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है, कमेंट करिए। उत्पन्न आर्क की बाहरी वातावरण की सुरक्षा के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस को कहाँ पर मिश्रण किया जाता है? कहाँ पे मिश्रण किया जाता है? पाइप में? नहीं। रेगुलेटर में? नहीं। वेल्डिंग टॉर्च में? नहीं। सिलेंडर में? नहीं। बाबू कमेंट करिए, हमें नहीं पता, आप लोग कमेंट करिए। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हो जाएगा, वेल्डिंग टॉर्च में। कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, कहाँ होगा? वेल्डिंग टॉर्च में। अगला क्वेश्चन, पेनिट्रेशन की कमी किसके कारण से होती है? जो पेनिट्रेशन होता है वो किसकी कमी से होता है? लो करंट, हाई करंट, कम वेल्डिंग स्पीड, शॉर्ट आर्क लेंथ, क्या होगा? इसमें होगा लो करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेस मेटल और फिलर मेटल को एक साथ पिघलाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्यूजन बोलेंगे या फोर्ज बोलेंगे या शेल्डिंग बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसमें फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, फ्यूजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत कौन सा उपचार देना चाहिए? यहाँ स्वयं की सेफ्टी में आ गया ये क्वेश्चन, स्वयं की सुरक्षा। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? सीधा खड़ा रखें, या उससे घटना का ब्यौरा लें, या प्राथमिक उपचार दें, या दौड़ने के लिए कहेंगे, क्या बोलोगे? प्राथमिक उपचार दें। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग के कारण बेस मेटल के मूल आकार और उसके साइज में जो बदलाव आता है उसे खाली स्थान कहते हैं, इसमें क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। वेल्डिंग के कारण बेस मेटल के मूल आकार और उसके साइज में जो बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्शन। क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कैसे दिखता है? यदि हम लोग विदाउट सी क्लंप के ज्वाइंट को वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा? गर्म होकर मेटल बैंड हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड आर्क से पिघल कर क्या निर्मित करती है? देखिए, इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा गया, इलेक्ट्रोड आर्क से पिघल कर क्या निर्मित करती है? मोल्टन पूल, क्रेटर, वेल्ड बीट या क्रैक्स? तो इसमें हो जाएगा वेल्ड बीट, ऑप्शन सी। भाई इलेक्ट्रोड पिघलेगा तभी तो वेल्डिंग होगी, जब वेल्डिंग होगी तो जो बीट बनती है उसको बोलते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय गैस है? कौन सा है आप लोग कमेंट करना, सक्रिय गैस पूछ रहा है, कौन सा है? CO2। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग शेयर कर देना क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन रेल कौशल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।